रविवार को हुए T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी हार के बाद भारतीय फैंस में काफी आक्रोश है। दूसरी हार के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया है, जिसके बाद भारतीय फैंस का दिल टूट गया है। इसका गुस्सा फैंस ने ट्विटर के जरिए निकाला। इस मैच में पहले तो भारतीय टीम ने टॉस गंवाया, फिर जब बल्लेबाजी करने टीम मैदान पर उतरी तो कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका और पूरी टीम 20 ओवर में 110 रन ही बना सकी, जिसे न्यूजीलैंड ने 14.3 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर IPL को बैन करने की मांग उठनी शुरू हो गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा, KL राहुल, ईशान किशन और भारतीय कप्तान विराट कोहली बुरी तरह से फ्लॉप हुए। फैंस इन खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन से काफी भड़के हुए हैं और इसी कारण से हार का कारण IPL को बताया जा रहा है। कई फैंस का यह कहना है कि खिलाड़ी IPL पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं, इसलिए भारतीय क्रिकेट का स्तर गिरता जा रहा है। फैंस का मानना है कि IPL में खेलने की वजह से टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।